हेलो एवरीवन, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आजकल जो मार्केट में स्टेनलेस स्टील के माइक्रोवेव सेफ बोल्स आए हैं उनका रिव्यू कीजिए। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है ना, क्योंकि हमें तो यही पता है कि मेटल को हम माइक्रोवेव मोड में नहीं रख सकते हैं, बट आजकल स्टेनलेस स्टील के माइक्रोवेव सेफ बोल्स आए हैं, तो क्या वो सही से काम करेंगे हमारे माइक्रोवेव में या नहीं करेंगे? तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो ये है उन बाउल्स का सेट जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। तीन साइजेस में ये अवेलेबल है और इनके साथ प्लास्टिक का लिड भी है। ये सबसे छोटा साइज है, ये मीडियम है और ये सबसे बड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरे स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं और इनके बाहर प्लास्टिक का कोटिंग है। इन बाउल्स को मैंने ऑनलाइन परचेस किया था 1 वीक पहले, और लास्ट 1 वीक से मैं इनकी टेस्टिंग कर रही थी ताकि मैं इनका आपको जेन्युइन रिव्यू दे पाऊं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील के बाउल्स हमारे माइक्रोवेव में अच्छी तरह से काम करेंगे या नहीं। इन सभी बाउल्स का परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें ताकि मैं इसी तरह के रिव्यू वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। कमेंट करें, शेयर करें और अर्बन रसोई को जरूर से सब्सक्राइब करें। रेड वाले सब्सक्राइब बटन के पास ही में एक बेल आइकन भी है, उसे भी जरूर से प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इस चैनल का एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाउल्स में अंदर स्टेनलेस स्टील की बॉडी है और बाहर प्लास्टिक की कोटिंग है, और इसी प्लास्टिक की कोटिंग के कारण इन बाउल्स को हम माइक्रोवेव में यूज कर पा रहे हैं। इन बाउल्स में हम कितना रीहीट कर सकते हैं उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया है। तो यहाँ है मेरे पास एक हीट रेजिस्टेंट ग्लास बाउल, बोरोसिल ब्रांड का है, और इसमें मैं एक ग्लास नॉर्मल टैप वाटर डाल रही हूँ जिसका टेम्परेचर अगर हम देखें तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब इस बाउल को मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी हाई पावर पर 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद हम इस पानी का टेम्परेचर देखेंगे तो वो आ रहा है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेम प्रोसीजर को हम इस स्टेनलेस स्टील के बाउल में भी रिपीट करेंगे। यहाँ पर वही मैंने एक ग्लास नॉर्मल टैप वाटर डाला है, इस टैप वाटर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड ही आ रहा है। अब इस स्टेनलेस स्टील के बाउल को हम अपने माइक्रोवेव में रख देंगे और हाई पावर पर 1 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। 1 मिनट बाद देखेंगे हम कि यहाँ पर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम ग्लास कंटेनर्स और सेरेमिक कंटेनर्स में अपने फूड आइटम को रीहीट करेंगे तो वो कम टाइम में रीहीट हो जाएंगे, और अगर उसी फूड आइटम को हम अपने स्टेनलेस स्टील के बाउल में रख के रीहीट करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। रीहीट जरूर होगा, गर्म बहुत अच्छे से होगा, काम परफेक्टली करेगा, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब इन बोल्स की मैं आपको कैपेसिटी और साइज बता देती हूँ। तो ये जो सबसे बड़ा वाला बोल है इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर्स और इसकी कैपेसिटी है 1000 ml यानी कि 1 लीटर। ये जो मीडियम वाला बोल है उसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर और इसकी कैपेसिटी है 700 ml। और ये जो सबसे छोटा वाला बोल है इसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर और इसकी कैपेसिटी है 500 ml। इन बोल्स के लिड पर क्लियरली मेंशन है रिमूव लिड बिफोर माइक्रोवेव यूज, यानी इन बोल्स को आप जब भी रीहीटिंग के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे तो इन्हें विदाउट लिड रखेंगे। इसका मतलब है आपको लिड का यूज रीहीटिंग के टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही इस पर कंपनी का एक लोगो भी बना हुआ है, ये पारसनाथ ब्रांड के हैं। और इन बोल्स के अगर बॉटम में हम देखें तो वहां पे भी क्लियरली मेंशन है कि ये माइक्रोवेव सेफ है, प्लस फूड ग्रेड क्वालिटी के हैं और डिशवॉशर सेफ भी हैं। तो फ्रेंड्स, इन स्टेनलेस स्टील के बाउल्स को आपको माइक्रोवेव में यूज करते समय कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना है। नंबर वन, जब भी आप इन स्टेनलेस स्टील के बाउल्स को रीहीटिंग के लिए अपने माइक्रोवेव में यूज करें तो इन्हें आपको विदाउट लिड यूज करना है, यानी बिना ढक्कन के आपको इन बाउल्स को यूज करना है माइक्रोवेव में। नंबर टू, जैसा कि मैंने आपको अपने पानी वाले एग्जाम्पल में दिखाया, ये जो बाउल्स है फूड को रीहीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो इनमें आप कुकिंग नहीं कर सकते, यानी राइस नहीं बना सकते, सब्जी नहीं बना सकते। ये परफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ रीहीटिंग के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ इसमें रीहीटिंग ही कीजिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक इसमें कुकिंग करेंगे तो आपके स्टेनलेस स्टील के ये बाउल्स डैमेज भी हो सकते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें कि ये मुझे कैसे लगे, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे और परफेक्टली काम कर रहे हैं। ग्लास बाउल्स और सिरेमिक बाउल्स में टूटने का डर रहता है,
पर अगर हम प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इस स्टेनलेस स्टील के बॉल्स में ये खासियत है कि न तो इनमें टूटने का डर रहता है और प्लस स्टेनलेस स्टील होने के कारण ये हमारी हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इजी टू यूज, इजी टू मेंटेन है। और लास्ट में बात करें अगर हम इसके प्राइस की, तो एमआरपी तो इसका 2000 रुपीज है, पर मैंने इसे ऑफ में लिया था जो ऑलमोस्ट हर समय ही रहता है 649 रुपीज का। मैंने इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस किया था जिसका परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।